दस बने और बिखरे, जो है ये एकांकी विधा है। यहाँ पे जो लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से जो लोगों की प्रवृत्ति है, आचरण है, उसको क्या किया है, उजागर किया है, उसे बताने का प्रयास किया है। ये जो है ये एकांकी विधा है, इसे हम एकांकी के माध्यम से अब पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये प्रथम दृश्य होता है। प्रथम दृश्य में क्या होता है कि रास्ते का दृश्य है। रास्ते का दृश्य है, वहां पर कौन कौन जा रहे हैं, गुरु अपने शिष्य के साथ चले जा रहे हैं। गुरु और शिष्य हैं जो रास्ते में एक साथ दोनों चलते जा रहे हैं और उन्हीं की वार्तालाप है। अब देखिए, सबसे पहले किसका प्रसंग आता है, सबसे पहले आता है शिष्य का। शिष्य कहता है हाँपते हुए, हाँपते हुए मतलब सांस फूल जाती है उनकी, और हाँपते हुए कहता है बस गुरु जी अब और नहीं चला जाता। वे अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी अब मुझसे चला नहीं जाता। तब फिर गुरु उनसे बोलते हैं मुस्कुरा करके कि इतने में ही थक गए बस। बस यानी होता है शिष्य, बस यानी क्या होता है, शिष्य होता है। तो उन्होंने फिर कहा मुस्कुरा करके हंसते हुए कहा कि बस इतने में ही थक गए। फिर उसके बाद में शिष्य ने कहा गुरु जी हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं, अब और नहीं चला जाता, प्यास के कारण कंठ सूख रहे हैं, बैठ जाता है। और इसके बाद में जो है शिष्य जो है गुरुजी से कहता है कि गुरुजी हम सुबह से ही निकले हैं और सुबह से ही हम क्या हो रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं, अब मुझसे जो है पैदल चला नहीं जाता क्योंकि मुझे प्यास लगी है और प्यास के कारण जो है मेरा कंठ यानी होता है गला, और मेरा गला सूखते जा रहा है, अब मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा करके जो है शिष्य गुरु से कहता है। फिर गुरु उनसे बोलते हैं बस हम लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने निकले हैं। वो फिर याद दिलाते हैं कि बस हे शिष्य हम जो है दोनों लोगों को जो है सन्मार्ग मतलब सही मार्ग की शिक्षा देने के लिए निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं, हम आराम करने के लिए नहीं निकले हैं, उनको मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए निकले हैं। अब क्या हुआ कि साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां आती ही है, धैर्य और संयम से इनको जीतना होगा। यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी प्रकार का भी साधना क्यों ना हो, जो है अनेक प्रकार की ये जो है कठिनाइयां मार्ग में आती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन व्यक्ति को जो है अपना धैर्य और संयम नहीं खोना चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि साधना के मार्ग में तो ऐसी छोटी मोटी कठिनाइयां तो आती है, इसलिए धैर्य और संयम से इनको हमको क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। हमको में भी कितना धैर्य है, कितना संयम है, वो यहाँ पर देखता है, और व्यक्ति अगर उसमें अपना नियंत्रण पा लिया तो वो जीत जाता है। अब इसके बाद देखो, संतों को सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो संत लोग रहते हैं उनको जो है सुख और सुविधाओं की वो क्या नहीं करते, अपेक्षाएं नहीं करते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि मुझे मार्ग में कितनी कठिनाइयां होगी, कितने बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, वो निरंतर अपने पग पर बढ़ते जाते हैं और उन्हें जो है सफलता प्राप्त होते जाते। अब उसके बाद में शिष्य ने कहा सत्य है गुरु जी, किंतु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने फिर कहा सत्य है गुरु जी हम जो है व्यक्ति को लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देने के लिए निकले हैं, लेकिन जो मेरा गला है, मेरा कंठ है, वो प्यास से सूखा जा रहा है, और मैं प्यास के लिए जो मेरे प्राण है वो कैसे हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा करके शिष्य ने कहा। फिर आंखों पर हाथ का छत्र तान कर एक और ध्यान से देखता है। अब क्या है, आंखों पर हाथ का छत्र तान करके वो ध्यान से देखता है कि लगता है कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, मतलब वो तान आंखों को तान कर यानी कि ऐसे जोर दे करके देखना, आंखों को जोर देकर देखते कि कोई व्यक्ति चला आ रहा है। फिर उसने उनसे कहा कि पूछ करके देखूं, मैं उस व्यक्ति से पूछ करके देखूं। ऐसा करके जो है वो कहता है कि शायद मुझको कोई भी उपाय मिल सके या उपाय मेरा हो सके। अब उसके बाद में एक व्यक्ति सम्मुख आता है, सम्मुख कहने उसके सामने आता है, एक व्यक्ति जो है शिष्य के सामने आता है। क्या बोलता है, शिष्य भाई क्या इधर कहीं कुआं या सरोवर होगा। वो पूछता है उस व्यक्ति से कि भाई इधर पे हम जहाँ जा रहे हैं उधर मार्ग में कोई कुआं या तालाब मिलेगा।
जहाँ प्यास मेरी बुझाई जा सके, जहाँ मैं अपनी जो है प्यास बुझा सकूं। अब वह व्यक्ति उचटती हुई सी नजर उस पर डालता है और हूं कहता हुआ चला जाता है। अब उसके बाद में वह व्यक्ति मतलब उसको क्या करता है, एकदम नीचा समझ करके, नीचा कहने की मतलब कामचोर होगा ऐसा समझ करके वो उसको हूं कहता है और वहां से चला जाता है। जैसे कोई धुतकार देता है उस प्रकार से उसको कह करके चला गया। अब शिष्य, गुरुजी यह व्यक्ति तो बड़ा असभ्य निकला। फिर जो है शिष्य ने उनको बताया, शिष्य ने पूछा कि गुरुजी यह व्यक्ति जो था मिला वो कैसा था? असभ्य था। उसे तो ये भी पता नहीं कि हमें अगर कोई पूछ रहा है तो सही मार्ग बताए। तो ये जो है अनेक उदाहरण से इन्होंने यहाँ पे व्यक्ति के चरित्र का उजागर किया है, प्रवृत्ति है कि अनेक प्रकार के संसार में व्यक्ति रहते हैं और जिनका अलग अलग जो है आचरण होता है, तो यहाँ पे वही बताया है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ कि गुरु हौले से मुस्कुरा देते हैं। हौले से मतलब धीरे से मुस्कुरा देते हैं। अब उसके बाद में शिष्य फिर से इधर उधर देखने लगे, फिर जो है शिष्य जो है इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसको बहुत जोरों से प्यास लगी हुई थी। अब शिष्य कहता है अचानक प्रसन्नता से, अचानक उसको खुशी नजर आई। कैसी खुशी नजर आई? गुरु जी यह देखिए एक महिला सिर पर घड़ा रखे इधर ही आ रही। उन्होंने कहा कि जो एक महिला है वह सिर पर घड़ा रख करके वह इधर ही आ रही है। अब क्या होता है, महिला का प्रवेश होता है, महिला वहां पर आती है। फिर शिष्य ने कहा बहन थोड़ा सा जल मिलेगा? उन्होंने फिर कहा, उनसे पूछा कि बहन आपके पास से मुझे थोड़ा सा जल मिलेगा? प्यास के कारण जो है मेरा कैसा हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। ऐसा करके जो शिष्य ने कहा। फिर उसके बाद में महिला बोलती है उपेक्षा, उपेक्षा करना है नहीं तिरस्कार करना, उपेक्षा करते हुए कहती है घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा। वो क्या कहती है, घड़ा मेरा कुएं से जल मैंने भरा, तुम्हें क्यों दे दूं, जाओ खुद निकालो और पियो, आलसी कहेंगे। महिला ने उस शिष्य को क्या नाम दे दिया, आलसी नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जो है वह कहती है घड़ा मेरा है, घड़ा मेरा है और मैंने ही कुएं से जल भरा है इसमें, फिर मैं तुम्हें किस कारण दे दूं? अगर तुम्हें पानी ही पीना है, जल ही पीना है तो जाओ और खुद निकालो, मतलब खुद करो परिश्रम निकालो, क्योंकि ये ऐसे लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, आलसी कह दिया। अब शिष्य कहता है लेकिन कुआं कहाँ है, इतना ही बता दो। फिर उस शिष्य महिला से पूछता है कि मुझे इतना ही बता दो कि वो कुआं कहाँ है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। अब महिला, यह जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। फिर वो बोलती है कि यह जानना जो है तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। और महिला वहां जाने लगती है, और महिला जो यह कह करके वहां से जाने लगती है। अब शिष्य ने कहा अरे सुनो, महिला चली जाती है और वहां से जो महिला है वो चली जाती है। शिष्य हाथ उठाए महिला को रोकने की स्थिति में कुछ क्षण खड़ा रह जाता है, उस महिला को रोकने के लिए जो है शिष्य खड़ा रह जाता है, लेकिन फिर भी गुरु की ओर मुड़कर के देखता है, गुरु मुस्कुरा देते हैं। फिर दोबारा जो है वो गुरु की ओर देखते हैं और गुरु जो है मुस्कुरा देते हैं। अब उसके बाद में शिष्य, उफ ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे हमने, असभ्य इतने अविनीत। उन्होंने कहा, उस शिष्य क्या कहता है, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा आदमी जो असभ्य रूप से बातें करता है और अविनीत, मतलब कोई भी उसमें मिनित नहीं है, सभ्य नहीं है। ऐसा करके जो है वो शिष्य। अब आगे देखिए, गुरु पुत्र संसार में हर तरह के लोग हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं, कोई भला है कोई बुरा है, तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जो संसार है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न व्यवहार वाले अलग अलग जो है व्यक्ति रहते हैं, जिसमें कोई अच्छा कार्य करता है तो कोई बुरा कार्य करता है, कोई बुरा कहता है तो कोई अच्छा बोलता है। तो इस प्रकार से जो है तुम्हें इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है यह संसार बहुत बड़ा है। ऐसा करके जो है गुरु उन्हें समझाता है, हो सकता है कोई भला मानुष मिल जाए। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि
दो लोगों ने तो आपको ठुकरा दिए, पानी नहीं दिए, लेकिन हो सकता है कि आगे हम जा रहे हैं तो कहीं कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, मानुष मतलब मनुष्य मिल जाए। आप एक व्यक्ति का प्रवेश, उसके बाद भी जो है एक दूसरा व्यक्ति का प्रवेश, वो क्या करता है, रेशमी पगड़ी, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता। वहां पे जो है उसके सर पर क्या रहता है, रेशमी पगड़ियां रहती है, गले में मोतियों की माला रहती है और उसके पैरों पर कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने रहता है वो, और उसका प्रवेश होता है। जो वो क्या होता है, सामंत जैसा प्रतीत, जो किसके जैसे प्रतीत होता है, सामंत के जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पे ये बताया। अब क्या हुआ, शिष्य ने कहा स्वागत, यह कोई सज्जन पुरुष मालूम होता है। उन्होंने कहा स्वागत, आइए, यह कोई कौन सा पुरुष, सज्जन पुरुष मालूम होता है। प्रगट महानुभाव, हम भूख प्यास से बेहाल है, संध्या हो रही है, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों से कष्ट दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है सज्जन, हम जबी से ही भूखे प्यासे और बेहाल घूम रहे हैं, और संध्या, अब किसका समय होने लगा है, संध्या का समय होने लगा है, अगर हमें कहीं पर भी आश्रय कुछ भी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जो है हम लोगों के, और अगर आश्रय आप दोगे तो जो हमारा कष्ट है वो कैसा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब व्यक्ति दोनों को सिर से पैर तक घूर रहे, और जो व्यक्ति था वो दोनों को ही जो है, उनके गुरु को, शिष्य को, दोनों को ही नीचे से लेकर के ऊपर तक के देख रहे हैं। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है या तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम जैसे साधु संन्यासियों की हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं और आश्रय। उन्होंने कहा कि मैंने कोई धर्मशाला नहीं ढूंढा या धर्मशाला खोल नहीं रखा है जो तुम्हें मैं अपना आश्रय दूं, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है। अगर तुम साधु संन्यासी जो हो, तो हमारे गांव में ऐसे साधु संन्यासी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम कहीं और जाकर के आश्रय ढूंढ लो। ऐसा करके उसने भी उत्तर दे दिया। अब वह व्यक्ति चला जाता है वहां से, उनको ऐसा कहता है और वो चले जाता है। अब शिष्य बोलता है कि गुरुजी, एक दो की बात नहीं है, पूरा गांव ही ऐसा है, ऐसे अशिष्ट और क्रूर आदमी कहीं नहीं देखे, अब आज तो खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ेगी, और सिर पकड़ करके बैठ जाते। दोनों जने कहे, वो गुरुजी जो शिष्य है गुरु से कहता है कि इस गांव में तो ऐसा लगता है कि कोई सभ्य व्यक्ति नहीं है, सब अशिष्ट और क्रूर है, इनमें दया नाम की कोई भावना नहीं है, आज तो ऐसा लगता है कि जो आसमान के नीचे ही हमें अपनी रात बितानी पड़ेगी। और दोनों, और जो है शिष्य सिर पकड़ करके वो बैठ जाता है। अब क्या होता है, दूसरा दृश्य में देखिए कि शिष्य सामान समेट करके पोटली बांध रहा है और गुरु शांत मुद्रा में बैठे। अब क्या हो, शिष्य सामान समेट करके क्या बांध रहा है, वो पोटली बांध रहा है, और गुरु जो है शांत मुद्रा में बैठे। अब क्या, गुरु आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें। अब उन्होंने कहा कि आओ पुत्र, अब हम यहाँ से चलेंगे, उसके पूर्व हम क्या कर लें, प्रार्थना कर ले। और दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते, और दोनों ही प्रार्थना की मुद्रा में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ कि हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें सतपथ पर बढ़ने की शक्ति दे, असत्य अन्याय छल देश से दूर रख। यहाँ पे जो है गुरु और शिष्य दोनों क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर से क्या बोलते हैं कि हे ईश्वर, यदि हमने, हमारे से कुछ भी गलतियां हुई होगी तो हमें क्या कर दें, आप क्षमा कर दें, और हमें निरंतर सत पथ पर, मतलब सत्य के पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। सत्य और अन्याय छल देश से दूर है, और हम हमेशा सत्य बोले, और जो है असत्य से हमें हमेशा कैसा रहे, दूर रहे, अन्याय से भी दूर रहे, छल कपट से भी हम दूर रहे, जो हमसे घृणा करते हैं उससे भी हम दूर रहे, हमारे हृदय में क्या रहे, सिर्फ करुणा रहे, संतोष रहे और प्रेम रहे और सहिष्णुता और विनय भर दे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में सबके प्रति क्या रहे, करुणा रहे, और हमारे मन में क्या रहे, संतोष रहे, प्रेम रहे। इस प्रकार से जो है हमारी विनती है, और हमारी विनय सुनो, और हमारे विनय को सुन करके आप ये सब जो गुण है हमारे इसमें भर दें। ऐसा करके जो गुरु और शिष्य प्रार्थना करते हैं। अब गुरु एक वाक्य कह लेते हैं तो शिष्य पीछे उसे दोहराता है, जैसे गुरु एक वाक्य कहते वैसे पीछे से शिष्य भी दोहराता जाता है। अब क्या हुआ, गुरु हे ईश्वर, इन गांववासियों पर कृपा करना, वे सदा इसी गांव में
बने रहे। फिर गुरु ने कहा कि हे ईश्वर, जो इन गांव वासी हैं उन पर हमेशा कृपा दृष्टि अपने बनाए रखा, क्योंकि वो जो है सदा इसी गांव में वे बने रहे, मतलब इसी गांव में रहे। अब शिष्य कहते हैं, यह क्या गुरु जी, आप इन असभ्यों के बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो गुरु जी उनके बारे में आप, ये तो बहुत ही असभ्य है, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु से शांत रहने का संकेत करते हैं, और गुरु जो है उनको शांत रहने के लिए क्या कहते हैं कि शांत रहिए। शिष्य असंतुष्ट होकर चुप रह जाता है, गुरु उसे लेकर चले जाता, और गुरु वहां से लेकर के उनको चले जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताएं। अब होता है तीसरा दर्शन। तीसरा दर्शन क्या होता है, देखिए कि गुरु और शिष्य यात्रा पर है, शिष्य हाँप रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु जो है शिष्य दोनों ही यात्रा पे निकल जाते हैं, और जिसमें से शिष्य थक जाता है और वो उसकी सांस फूलने लगती है और बार बार अपने पसीनों को वो पोंछ रहा है। गुरु के संकेत की प्रतीक्षा, और गुरु के संकेत मतलब गुरु के आदेश की वो क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बैठने की कहे और उसे विश्राम मिल सके। वो यही सोचता है कि गुरु मुझे कब आज्ञा दे और मैं थोड़ा शांत से बैठ जाऊं, लेकिन वो अभी आदेश। इसके बाद में देखिए शिष्य, हाँ गुरु जी मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद में जो है गुरु जी यही से वो पूछते हैं कि पुत्र आप थक गए क्या, विश्राम कर लें। तब वो शिष्य क्या कहता है उनको कि हाँ गुरु जी मैं बहुत थक गया हूँ। अब दोनों क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है। उसके बाद में जहां पर बैठ जाते हैं वहीं पर एक हर्ष मतलब खुशी और मिश्रित कोलाहल मतलब आवाज सुनाई पड़ती है, उभरता है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं, बहुत से लोग कहाँ पर आते हैं, मंच पर आते हैं और बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। अब बारी बारी से उसके क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, किसके, शिष्य और गुरु के। अब उसके बाद में देखिए आगे कि एक व्यक्ति, आप जैसे साधु पुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हुए। उसके बाद में उस गांव से पार होकर दूसरा गांव मिलता है, वहां पे क्या मिलता है कि वो कहते हैं वहां के लोग कि आप जैसे साधु वगैरह के आगमन से जो हमारा गांव है वो कैसा हो गया है, धन्य हो गया है, अर्थात पवित्र हो गया है। दूसरा व्यक्ति कहता है आपके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे गांव में क्या रखे, अपने चरण कमल रखे हो, चरण रखे हो, स्पर्श किए हो, हमारे जो है गांव को आपने छुए हो, इसलिए जो हमारे जो जितने भी पाप थे वो सब क्या हो गए, धूल गए। अब शिष्य अचरज से उन्हें ताकता रह जाता है, और जो शिष्य था वो उनको आश्चर्यचकित होकर के वो देखते ही रह जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मन मुस्कान खिली रहती है, और उसके बाद में गुरु के जो इस मुंह में मतलब मुख पर हमेशा से क्या रहती है, हंसी जो भीनी भीनी से मतलब मंद मंद से वो मुस्कुराते ही रहते हैं। अब तीसरा व्यक्ति, महाराज आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर के थोड़ा विश्राम कर। उन्होंने कहा कि महाराज आप बहुत दूर से आए हैं और चलकर के आए हो तो आप थक गए होंगे, इसलिए गांव में चलकर के आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, आराम कर लीजिए। ऐसा करके जो वहां के लोग बोलते, अब सभी व्यक्ति समवेत स्वर में, समवेत मतलब एक साथ स्वर में बोलते, हाँ हाँ महाराज चलकर अपने चरण रस से हमारी गांव पवित्र कर दो। उन्होंने कहा कि चलिए महाराज आपने चरण धूलि से, रज यानी होता है धूल से, हमारे गांव को भी आप क्या कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। गुरु ने कहा तुम सबकी यही इच्छा है तो अब क्या करो, चलो। इस प्रकार से जो है गुरु उनको कहने लगे। अब चौथा दृश्य होता है कि गुरु और शिष्य जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, और शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है, गुरु ने कहा आओ पुत्र चलने के पूर्व प्रार्थना कर ले। उन्होंने कहा कि आओ पुत्र हम चलने के पूर्व भी अब क्या कर ले, प्रार्थना कर ले। दोनों प्रार्थना के मुद्रा में अब बैठ। अब देखिए गुरु ने फिर कहा, हे ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करे, हम सतपथ पर बढ़ने की शक्ति दे। उन्होंने फिर यही कहा कि हे ईश्वर जो हमारी गलतियां जितनी भी हुई है उनमें क्षमा करे, और हमें सत्य की राह पर चढ़ने के लिए जो है शक्ति दे। असत्य अन्याय छल द्वेष से हम क्या रहे, दूर रहें, हमारा हृदय में हमेशा करुणा रहे, संतोष रहे, प्रेम रहे और सहिष्णुता रहे। इस प्रकार से जो है हमारे मन में भाव भर दे। ऐसा करके जो है वो ईश्वर से विनती करते हैं। अब इसके बाद में यही जो है शिष्य दोहराता है, और शिष्य भी यही कहते हैं। अब गुरु, हे ईश्वर इस गांव के लोग अत्यंत कैसे हैं, सभ्य और सुशील है। कैसे वो, सभ्य और सुशील है। इन्हें सारे संसार
में बिखरा दे। इन्होंने कहा, वो ईश्वर से ये भी कहते हैं कि इस गांव के जो लोग कैसे सभ्य और सुशील है, इसलिए ऐसे लोगों को सारे संसार में फैला दो। फिर शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरु चुप रहने के लिए फिर उसे संकेत करते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी उनको कहता जाता है। क्या कहता है? शिष्य, अवैज्ञ क्षमा करें गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया आपने उनके बने रहने की प्रार्थना की, और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया उनके लिए यह साफ, मतलब क्या बोलते हो कि गुरुजी जिन्होंने हमारा आदर सत्कार नहीं किया उनको आपने आशीर्वाद दिया कि हमेशा वही गांव में बने रहें, और आप जिसने हमारे स्वागत सत्कार किया उनको आप साफ दे रहे हैं कि आप सारे संसार में बिखर जाएं। तो इस प्रकार से जो शिष्य ने कहा उनसे, फिर गुरु ने फिर कहा, अभी तुम्हारा ज्ञान कैसा है? ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारा ज्ञान और साधना जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, पुत्र तुम समझते नहीं, मैंने उन असभ्य और स्वार्थी लोगों को एक जगह बहने रहने की प्रार्थना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति फैलेंगे तो समाज में क्या फैलेगी? कुछ संस्कृति का प्रचार होगा, लेकिन अपने रंग में रंग करके ये सारे समाज को भ्रष्ट कर देंगे, और इसी प्रकार से अगर वो सारे संसार फैल जाएंगे तो अपने ही रंग में रंग करके वो सारे जो समाज है उनको भी क्या कर देंगे? वे भ्रष्ट कर देंगे। किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ साथ निस्वार्थ भाव से क्या करेंगे? सेवा भाव करेंगे, करुणा करेंगे, दया करेंगे और प्रेम करेंगे। इसके साथ साथ वो क्या करेंगे? सद्गुणों का प्रसार भी करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों को सारे संसार में बिखर जाने, यहाँ बिखर सने से तात्पर्य है फैल जाने से है, फैल जाने की प्रार्थना किया है। ऐसा करके जो है गुरु ने शिष्य से कहा। फिर शिष्य ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव? शिष्य ने कहा कि आप सही कहते हो गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, आओ अब हम आगे की यात्रा पर चले। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आओ अब हम आगे की यात्रा करते हैं, क्योंकि जो है हमें सभी लोगों को सन्मार्ग की पथ पर आगे बढ़ते हुए मार्ग दिखाना है, रास्ता दिखाना है। प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।